गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये क्लास फिफ्थ के लिए और आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफाई। तो हम अभी तक सिंप्लीफाई ही पढ़ते आए हैं, तो हम आगे भी मतलब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो जो क्वेश्चन है आपका वो है 3 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 माइनस 2 1/3 माइनस 1 1/4। सो ये जो है आपको क्वेश्चन है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे पहला ब्रैकेट ये है, दूसरा ब्रैकेट ये है, मतलब पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और दोनों का जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 3 2 6 1 7 7/2 डिवाइडेड बाई 1/4 माइनस 2 1/3 इसको हम करेंगे। सो ये 3 2 6 1 7 सो ये 7/3 माइनस 4 1 4 प्लस 1 5 सो हो जाएगा 5/4। सो यहाँ तक हमने इन सबको कन्वर्ट कर लिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो ये यहाँ पे डिवीजन में है, इसको हम कन्वर्ट करने, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम 1/4 का रेसिप्रोकल कर लेंगे। सो हो जाएगा 4/1 सो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 4/1 माइनस, यहाँ पे हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3/4 हो जाएगा 12। सो यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 3 सो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 1 और 2 2 सो यहाँ बचेगा 14 माइनस 12 2 28 माइनस 5 3 15 यहाँ तक बचेगा हमारे पास। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 13/12 सो 14 माइनस 13/12 जो हो गया यहाँ तक हमारा। अब जो है 14/1 माइनस 13/12 तो इसका हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा यहाँ पे 12 सो 14 इंटू 12 हम करेंगे तो आंसर आएगा 168 माइनस 13/12 सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 155/12 सो 155/12 जो है वो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब देखिए इसको हमने किया क्या है, सबसे पहले 3 1/2 को हमने मिक्स इन प्रॉपर में किया, तो ये हो गया 7/2 डिवाइडेड बाई 1/4 तो ये यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद 2 1/2 कन्वर्ट किया तो ये हो गया 7/3 और 1 1/4 वो किया तो ये हो गया 5/4। इस डिवीजन को हटाने के लिए हमने 1/4 का रेसिप्रोकल किया तो ये हो गया 4/1 तो 2 से 4 गया तो यहाँ पे न्यूमरेटर में बचा 2 तो 7 2 का हो गया 14। इसी तरीके से यहाँ पर हमने 3 और 4 का एलसीएम लिया तो यहाँ हो गया 12 और 7 इंटू 4 हो गया 28 और 3 5 15 तो 28 माइनस 15 हम करेंगे तो आएगा 13 और अब यहाँ पे जो हमारे पास बचा वो बचा 14 माइनस 13/12 सो 14 के नीचे हमने 1 अज्यूम कर दिया क्योंकि 1 तो होता ही है। उसके बाद हमने इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया 168 माइनस 13/12 168 में से हम 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 155/12 सो 155/12 हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन है और ये इसका सोल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.8 प्लस करली ब्रैकेट में 1.6 प्लस 2 फिर ब्रैकेट्स 1.4 प्लस 2/6 और इस तरीके से वापस से ब्रैकेट्स क्लोज है। तो आपको करना ये है यहाँ पे कि सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इतने को सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट में उसको 2.8 से ऐड कर देंगे। सो 1.4 प्लस 2.6 हम करेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 2.8 प्लस 1.6 प्लस 2 1.4 और ये हो जाएगा आपका 4। अब 1.4 प्लस 2.6 हम करेंगे तो आएगा 4। और देखिए कि ये जो 2 है ब्रैकेट के बाहर, यानी कि ये इससे मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया। सो अब ये हो जाएगा, पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा आपका 2.8 प्लस 1.6 प्लस 4 इंटू 2 हम करेंगे, सो ये हो जाएगा 8। अब 1.6 प्लस 8 हम करेंगे, सो ये हो जाएगा 2.8 प्लस 9.6। तो यहाँ तक आ गया हमारा 2.8 प्लस 9.6, तो इसको हम ऐड करेंगे, सो आपका आंसर हो जाएगा 12.4। सो 12.4 जो है वो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे किया क्या है कि सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, 1.4 प्लस 2.6 को हम करेंगे, सो हमारा आंसर आएगा 4। अब ये ब्रैकेट के बाहर जो 2 है ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ से जो 4 आया इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको पता है कि सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बॉड मास के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन ही है, क्योंकि इसमें डिवीजन है नहीं, तो डिवीजन के बाद तो मल्टीप्लिकेशन आता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 2 8 आने के बाद यहाँ पे इस 8 को हम 1.6 से ऐड कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 9.6। अब ये सारे ब्रैकेट हमारे ख़त्म हो गए, ब्रैकेट ख़त्म होने के बाद हमने इसको 9.6 को 2.8 जो बाहर था इससे हमने इसको ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 12.4। सो ये क्वेश्चन है और ये इसका सॉल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 प्लस 8 माइनस 2 माइनस 25, तो इसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, सो ये हो जाएगा 52 प्लस 6 माइनस 25। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बचा 6 और ये 52 प्लस 6 हम करेंगे, सो ये हो जाएगा आपका 58 माइनस 25। सो 58 माइनस 25, सो 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3 और 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3। सो 33 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इसमें हमने किया ये कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, 8 माइनस 2 विल बी 6, 52 और 6 दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, दोनों को हमने ऐड किया सो आया 58, 58 में से 25 को हमने सब्ट्रैक्ट किया सो हमारा आंसर आ गया 33। सो ये क्वेश्चन है और उसका सॉल्यूशन है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमको सिंप्लीफाई के जितने भी तरीके के क्वेश्चन हैं वो हमको कैसे करने हैं। तो आपको कोई सा भी अगर इनमें से क्वेश्चन आता है तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो रैशनल नंबर का हो, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो इंटीजर में हो, अगर मिक्स्ड में भी दिया होता है तो आपको उसको इंप्रॉपर में कन्वर्ट करना है और सिंपल जैसे हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी बेसिस पे हमको सॉल्व करते आना है। बस हमको इतना ध्यान रखना है कि हमको उसमें बॉड मास का ही इस्तेमाल करना है। बॉड मास क्या था वो मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, यानी कि ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो उसी को अप्लाई करते हुए हमको सेट जो है पूरा क्वेश्चन का वो सॉल्व करना है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।